भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है कुछ खट्टी मीठी अपनी फैमिली की प्यारी प्यारी सी बातों के साथ में। लगवाने जाना है, हस्बैंड बाहर खड़े हुए हैं। मेरी आंख पे पता नहीं क्या हो गया, आंख रेड हो गई है। मेरी आंख में कुछ हो गया बेटा, बिल्कुल रेड हो गई। सूज गई हाँ, ये बहुत रेड हो गई है। ऐसे क्यों नहीं पता नहीं है ना। इसमें शीशे में देखो ना, सब दिख रही है सारी। अभी जा रहे हैं हम वैक्सीन लगवाने, और इन दोनों को मंदिरों को बैठाना पड़ा। साथ में देर हो जाती है तो रोने लग जाते हैं दोनों साथ में। कुछ चीजें अभी स्कूल में गई, कुछ चीजों की एग्जामिनेशन स्टार्ट है, प्रिपरेशन लीव चलती है। कुछ दो तीन दिन बाद इसके एग्जाम शुरू है, तो एग्जाम में जाएगी। और सबसे मेरे पीछे बैठा है, इनको ले जाएंगे निवास के लिए, इनको गाड़ी में बैठा रहने देंगे। देखते हैं इस बार वैक्सीन कैसी रहती है, बुखारों का नहीं है बस, है ना। अभी मेरी आँख थोड़ी सी कम लाल हो रही है, पहले से कम लाल हो रही थी, पता नहीं इसमें क्या हुआ था। तो दोस्तों, मैं वैक्सीन लगवाने आई हूँ हस्बैंड के साथ में, और आज की वैक्सीन हम दोनों की साथ में ही लगी है। पहली वाली जो वैक्सीन लगवाई थी उसमें 3 डेज का अंतर था। 3 डेज पहले हस्बैंड ने लगवाई थी और फिर मेरी लगी थी। बट जो सेंटर है वहाँ से कॉल आ गया कि आप आ जाओ वैक्सीन लगवाने के लिए। तो मैंने कहा हम लोगों ने तो अलग अलग डेट पर लगवाई थी, तो कह रहे कोई नहीं, दोनों के दिन हो गए हैं कम्प्लीट, आप आ जाओ। तो ये सरकारी हॉस्पिटल है यहाँ पे, एक बक्सर में पड़ता है आई थिंक। तो हम यहाँ पे आए हैं, थोड़ा सा सिटी से थोड़ा सा हट के है ये मेरठ से। तो बस मेरी तो लग गई थी, बच्चों के रोने धोने में मेरी तो छूट नहीं हो पाई, लेकिन हस्बैंड की अभी लग रही है। तो पहले यहाँ पे नहीं लगी थी, पहली वैक्सीन हमारी दूसरे सेंटर पे लगी थी, लेकिन ये वाली यहाँ पे लग रही है। कोवैक्सीन लगी है हम दोनों को। और सक्षम ना बैठा हुआ गाड़ी में रो रहा था, तो मैंने उसको अभी यहाँ पे बैठा लिया, और शीजा भी उसके पास बैठी हुई है। और इनको घर पे छोड़ने में ये है, कभी कभी बाहर निकलो ना घर से, और दोनों इतने बड़े नहीं हैं अभी, तो डर जाते हैं, रोने लगते हैं, है ना। बच्चों के साथ में कोई बड़ा हो तो टेंशन नहीं रहती, लेकिन बच्चों के साथ में लेके जाने में थोड़ी सी रहती है। कोई बात नहीं, चलो 2-4 साल में श्रीजा थोड़ी बड़ी हो जाएगी, थोड़ा ठीक हो जाएगा। और सक्षम को, श्रीजा को गाड़ी में बैठा दिया तो बहुत रोने लग गया, और बहुत बुरी तरह से रो रहा था। फिर मैंने कहा तुम अंदर ही बैठ जाओ, इतनी कोई भीड़ भी नहीं थी हॉस्पिटल तो में। वैक्सीन तो लग गई, और वैक्सीन मम्मी पापा को लगी, और और वैक्सीन लगवाने के बाद बस घर के लिए निकल दिए हम दोनों। और तो जब भी बक्सर से आते हैं ना मेरठ की साइड में, तो काफ़ी सब्जी वाले बैठे रहते हैं बक्सर वाली रोड पे, तो मैंने सोचा यहाँ से सब्जियाँ ले लेती हूँ। तो बस मैं सब्जियाँ लेने के लिए मैंने हस्बैंड से गाड़ी रुकवाई। और वैसे एक बात है, जो हमारा सब्जी वाला होता है ना, जिसे हम हमेशा लेते हैं, वो ढंग से देता है। उसको पता है अगले दिन भाभी जी ना फिर झाड़ लगा देंगी अगर ख़राब सब्जी दे दी तो। और ये लड़का बहुत होशियारी कर रहा था मेरे साथ में। मैं इतना सब्जियां लेने गई तो इसने मेरे इतने सारे खराब आलू चढ़ा दिए, खराब प्याज व्याज चढ़ा दी। फिर मैंने इसको बोला कि मैं पास में से ही आई हूँ, यहीं रख जाऊंगी, तो कभी भी आप ऐसे देख के बिना देखे मत लो, क्योंकि आप जिस भी नए बंदे से लेते हो ना, कई बार ऐसा होता है। एक बार खुशी के पापा यानी मेरे जेठ जी आए थे, और वो एप्पल लाए, और एक भी एप्पल सही नहीं था। उस टाइम पे एप्पल बहुत महंगे हो रहे थे, और मैं उनको गई थी आप हमेशा देख के लिया करो, है ना। देने वाला तो पैसे दे देता है पूरे, और जो सब्जी वगैरह देने वाले होते हैं वो बस कर लेते हैं चालाकी। तो कभी भी ये नहीं करना चाहिए, लेकिन ये शायद ये नहीं जानता कि हम एक लेडीज़ जो होती है ना, अपने घर की एक एक चीज़ छांट छांट के लाती हैं। शुरू में मुझे भी नहीं समझ थी इतनी, कुछ भी उठा के चल पड़ती थी, कोई मुझे फटा हुआ नोट दे देता था और मैं देखती नहीं थी, लेकिन अब आदत हो गई है ये सब काम करने की, तो हर एक चीज़ चेक कर करके लेती हूँ। तो बस मैं सब्जियां ले रही हूँ, मैं उससे कह रही थी बस ढंग से सब्जियां चढ़ाना। तो सब्जी मंडी में आई हूँ तो मोल भाव भी करूँगी थोड़ा सा और सब्जियां भी ले लूँगी। और मैंने ले ली हैं 3-4 दिन की सब्जियां इकट्ठी। और कुछ सब्जियां मैं आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा लेती हूँ, जैसे गोभी, गाजर, मटर, बीन्स, तो मुझे टेंशन नहीं रहती कि मैं मिक्स वेज बना लूँ या मिक्स पुलाव बना लूँ मिक्स सब्जियाँ करके। और बहुत सारी रेसिपीज़ इन सब्जियों से बन जाती हैं। तो बस मैं उसको पैसे दे रही हूँ, मैंने कहा हिसाब भी जोड़ के बता कितनी कितनी कैसे कैसे लगाई है। तो फिर इसने मुझे बताया मैंने ली। कई बार बहुत चालाकी कर देते हैं लोग, सब नहीं होते ऐसे, लेकिन कई लोग होते हैं थोड़ा फ्रॉड करते हैं। क्योंकि इसने मेरे साथ किया तो फिर मैंने भी थोड़ा सा इससे पूछा, नहीं तो मैं पूछती नहीं हूँ इतना। तो बस सब्जियाँ रख लेते हैं गाड़ी में और घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद सबसे पहले मैं अपनी सब्जियाँ वॉश करके रखूँगी, प्याज टोकरी में लगा दी हैं। और उसके बाद में मैंने ये नमकीन राइस बनाए थे,
नमकीन खिचड़ी, ये इसलिए बनाई है दोस्तों, थोड़ा सा देर भी हो जाती है कहीं से आते हैं तो, है ना। और दूसरी बात, आज मेरे पास सारी की सारी सब्जियां अवेलेबल थी, तो तब तो मैं ज़रूर पुलाव बनाती हूँ। जल्दी जल्दी हरी चटनी भी बना ली थी धनिए की, और उसके बाद मैंने रेस्ट किया था। इवनिंग में फिर ये शूट कर रही हूँ, और इवनिंग में आज मेरे ससुर जी भी आए थे, तो दोपहर में मैं लेटी हुई थी, बैठे बैठे मैंने मक्खन निकाल लिया था। सक्षम अपने फ्रेंड ध्रुव के यहाँ खेल के आया है अभी, और कुछ खा रहा है मट्ठी वगैरह, और दादाजी बाहर बैठे हुए, उनको मैंने चाय बना के दे दी, तो बस बैठे हुए वो चाय पी रहे हैं। मैं यहाँ पे घी निकाल लेती हूँ, खाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है। और आज का जो घी है मैं अलग डब्बी में निकाल के रखूंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है शिवरात्रि आने वाली है, तो कोई भी इस तरह का पूजा पाठ वाला या व्रत वाला फेस्टिवल होता है उससे पहले मैं थोड़ा सा मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ और घी निकाल के रख लेती हूँ, और उसको फिर व्रत वाले दिन यूज कर लेती हूँ, पूजा वाले दिन यूज कर लेती हूँ, तो हमें अलग से खरीदना भी नहीं पड़ता और हमारा काम भी हो जाता है। और ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स ना हमारे घर में हमारे काम को स्मूथ कर देती है। तो मेरा घी का काम तो मैंने खत्म कर लिया शिवरात्रि के लिए, अभी शीजा आ गई है ट्यूशन से, 3-4 घंटे पढ़ रही है आजकल, दूध पिलाया मैंने अभी इसको एक ग्लास, आजकल ये दूध भी बहुत कम पीती है। मुझे बात करना है, दाल बॉईल कर रखी थी, मुझे नहीं खानी दाल रोटी, नहीं खानी पास्ता, खाना है मुझे पास्ता ही खाना है, मुझे पास्ता ही खाना है, पास्ता। हाँ, मैं 3-4 दिन से बोल रही हूँ, हाँ ये 3-4 दिन से बोल रही है, मैंने दाल बॉईल कर ली, चलो कोई नहीं मैं तुम्हारे लिए पास्ता ही बनाती हूँ, हैप्पी स्माइल तो कर दो। और मैंने दाल बॉईल कर ली थी, वैसे मैंने आटा नहीं लगाया अभी, तो थोड़ी दाल और रोटी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों के दादाजी हैं घर पे और हस्बैंड भी नहीं खाएंगे पास्ता, तो मैं सोच रही हूँ कुकर में पास्ते को बॉईल कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि मुझसे कई दिन से कह रही है, मैं शायद इसकी जिद नहीं मानती लेकिन ये कई दिन से बोल रही है तो मान लेती हूँ अभी। तो सबसे पहले दाल फ्राई कर रही हूँ, और हस्बैंड जी के लिए और पापा जी के लिए रोटी बनाई, तो वो दोनों खाना खा रहे हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं पास्ता फ्राई करूंगी अभी। और बच्चों की इस तरह से मैं जिद मान लेती हूँ कभी कभी, मेरी मम्मी ने भी मेरी बहुत जिद पूरी करी है, बच्चों का बचपन ही होता है दोस्तों, ये तो सब समझदार हो जाते हैं। बेटा मैं पीछे का रोटी क्या देंगे, ले मुझे पास्ता, ये इसमें सॉस नहीं डाली ना। क्या हुआ, डल गई, डल गई है। तो गरम गरम पास्ता तैयार है दोस्तों, आप भी आ जाइए खाने के लिए, बहुत दिन बाद पास्ता बना रही हूँ, वैसे ये मैक्रोनी है, पास्ता ही निकलता है मेरे मुंह से, और बन गया, बस श्रीजा को वेट हो रही है, वही वीडियो बना रही है ये, मम्मा जल्दी बना दो जल्दी बना दो, क्योंकि दूध भी नहीं पी के जाती, और बस आके एक ग्लास दूध तो दिया था, लेकिन बड़ी हो रही है तो अभी उसको थोड़ी सी एनर्जी और फूड ज़्यादा चाहिए होता है ना, और खाती नहीं आजकल ढंग से खाना, बिल्कुल नहीं खाती, पता नहीं इसको क्या होते जा रहा है, और बड़े हो जाते हैं बच्चे तो बहुत नखरे करते हैं, वैसे मेरे बच्चे बातों को मान लेते हैं। मैक्रोनी तैयार है, आप लोग भी खा लीजिए, थोड़ी सी ओवर कुक हो गई थी आज ही जल्दी जल्दी में मेरे से ना, और अभी दोनों बच्चे मेरे खाना खा रहे हैं, देखो खाना खाने का तरीका देख लो, मैं कह रही हूँ टेबल पर रख के खा लो, नहीं ऐसे ही खाना है, कह रही नहीं मम्मा ऐसे ही मजा आ रहा है, दोनों टांग पला के बैठे हैं सोफे पे खाने, लंच हुआ है यूज करनी है अब, लास्ट में जो तुमने करा था वो भी करके दिखा। तो दोस्तों अभी रात हो गई है और पढ़ना पड़ेगा अब आप आपको, कल सुबह उठते तो रात के बज गए हैं, 9:10 है, और हस्बैंड जी की दवाई का टाइम होने वाला है 9 बजे। क्या किया है? मेरा टेस्ट, नीचे वाला क्वेश्चन गलत है ना? अरे नहीं देखो, मैं लिखना भूल गई थी। अच्छा देखो ये ऐसे देख लो, फिर तुम बताओ लिप बम देखो, आप इसको स्किप नहीं करिए, ऐड कर दो मां, देखो बस 5 स्पेलिंग कर देते हैं, किसी की भी वीडियो लेकिन ऐड कर, पहली बार वॉच करते हैं 5 स्पेलिंग करते हैं, तो उसकी तो क्या कर रही स्पेलिंग कर देते हैं सिर्फ कोई बात नहीं, ऐसी आ जाएगी। इस बार ना श्रीजा को लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि भाई 2 साल से मुझे दूसरे पेज पे 1, 2, 3, 4 दूसरे पेज पे 5 गलत है। तो दोस्तों आज वैक्सीन लगवा के कहते आराम करो, आराम करो, हमारी तो नहीं पाती, तीसरे पेज पे 2 गलत है, हो गया। तो पिछली बार भी जब हम लोगों ने वैक्सीन करवाई थी, मुझे लग रहा है और ज्यादा ही काम किया होगा,
लेकिन अभी रात में मुझे तो लग रही है थकान बड़ी और अच्छा नहीं लग रहा है इस टाइम पे। और आपको कैसा लग रहा है? फिट। उनको ठीक लग रहा है इस बार, तो आई होप कि तबियत ठीक रहेगी। ऐसा मुझे भी तबियत खराब नहीं, लेकिन रात को तो मैं रोज ही थक जाती हूँ, है ना। रात के टाइम मेरी रोज ही बैटरी लो जाती है, तो वैक्सीन को मैं दोष नहीं दूंगी। अभी कल पता चलेगा कि तबियत कैसी रहेगी हम लोगों की, है ना भाई सक्षम। और ये रो रहा था, वैक्सीन नहीं थी पापा को मुझे। तो दोस्तों अभी बस अभी रेस्ट करेंगे और इस ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करेंगे। और बस मैं तो यही चाहूंगी कि तबियत दोनों की ठीक रहे, क्योंकि कुछ भी हो झेलना तो मुझे ही पड़ता है ना। और अगर हस्बैंड को कुछ हो तो भी टेंशन, अपने आप को कुछ हो तो भी टेंशन, क्योंकि इनको जब तबियत खराब हो जाती है तो फिर टेंशन तो होती है यार, फिर किटनाइन लेवल बढ़ने की टेंशन हो जाती है ना। और सक्षम ने मुंह पे देखो सारे में मैक्रोनी लगा रखी है। और चलिए बाय करें दोस्तों, बाय। अरे पैर से नहीं, देखो इस हाथ में लगी है ना वैक्सीन, तो ये दुख हो रहा है। मम्मा हाथ को दुख रहा है क्या? नहीं मम्मा, आज मैं करूंगा बाय बाय, मेरे हाथ में। हाँ सही, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, आगे शेयर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल।